Hey, what's up guys? Welcome back to Biker Kingston's vlog. और आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं मिड वेट स्पोर्ट्स बाइक सुपर स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट का बेताज बादशाह कावासाकी निंजा 650 जो कि होंडा CBR 650R का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है। उसका जो 2022 का जो अपडेट आ रहा है, जो नया मॉडल आ रहा है, उसमें कुछ अपग्रेड्स हुए हैं, उसमें कुछ नया कलर्स हमें इंट्रोड्यूस किया गया है, उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। आपको अगर ये अपडेट वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस वाले बटन को क्लिक करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वाले बटन को क्लिक करके आप मुझे डायरेक्ट सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो दो कलर वेरिएंट देख पा रहे हैं ये बहुत ही जल्दी इंडिया में अवेलेबल होने वाला। और यहाँ पे जो विजिबल चेंजेस देखने को मिल रहा है, आपका सामने का जो विंडशील्ड है वो थोड़ा सा साइज में छोटा हो चुका है और आपका जो हैंडल बार है, जो क्लिप ऑन हैंडल बार है, वो थोड़ा सा अपराइट हो गया है। इसका मतलब राइडर को अब थोड़ा सा कम्फर्ट लेवल ज़्यादा मिलेगा। जो राइडिंग पोस्चर है वो अभी अपराइट राइडिंग पोस्चर हो रहा है, क्योंकि इंडिया और बाकी जितने भी देश है, जितने भी कंट्रीज़ पे ये बाइक अवेलेबल होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इंडिया और बाकी के कंट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर टूरिंग और जो स्पोर्ट्स बाइक लेके आप जो स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी के बाइक्स लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, इसके वजह से यहाँ पे कावासाकी निंजा 650 को भी एक स्पोर्ट्स टूरर टाइप का करने का कोशिश चल रहा है। तो यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखेगा वो पहले वाले 650 से ही कंटिन्यू हुआ है, लेकिन यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको ऑफर किया जाएगा और आप अपने मोबाइल से अपना बाइक को, मोटरसाइकिल को कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ से आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सेस कर पाएंगे। अब ये फीचर नॉर्मल हो रहा है, तो यहाँ पे कावासाकी की तरफ से इस बाइक में भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो कावासाकी की तरफ से ये बोला गया है कि ये इंजन अभी थोड़ा सा और रिफाइंड मिलेगा आपको। जो इंजन है वो 649cc का लिक्विड कोल्ड इंजन है और ये 67 bhp और 64 Nm आपको टॉर्क और पावर आपको जनरेट करेगा। भाई साहब बहुत ही पावरफुल इंजन है और 6-speed गियरबॉक्स के साथ ये आता है। 41 mm का आपको टेलीस्कोपिक फोर्क्स फ्रंट में देखने को मिलता है और रेयर में आपको एडजस्टेबल हॉरिजॉन्टल बैक लिंक मोनोशॉक देखने को मिलता है। फ्रंट में आपको 300 mm का पेडल डिस्क विथ डबल पिस्टन कैलिपर्स आपको देखने को मिलता है और रेयर में आपको 220 mm का डिस्क देखने को मिलता है। ये बाइक आपको CBR 650R के साथ साथ एप्रिलिया का जो RS 660 है उसके साथ भी कम्पीट करता हुआ दिखेगा। और इस बाइक का जो इंडिया में एक्स शोरूम प्राइस होने वाला है वो 6.60 लाख के आसपास होने वाला है। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और इस बाइक के बारे में आपका क्या राय है वो सब कुछ मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए राइड सेफ।